असगर वजाहत द्वारा निर्मित नाटक के बारे में मेरे को जानकारी मिली थी, और जब मैंने उसको जो नक्शा उन्होंने कैनेडी हॉल पर लगा रखा था उस नक्शे को मैंने देखा, तो मैंने तुरंत आपत्ति दर्ज कराई एएमयू के प्रॉक्टर मोहसिन खान साहब को, और मैंने कहा कि ये विवादित नक्शा एएमयू के अंदर लगा हुआ है जिसका मंचन होने वाला है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप लोग किस प्रकार से प्रशासन को संभालते हैं, जिसमें हमारा पूर्वोत्तर की जो भुजा है नागालैंड त्रिपुरा मेघालय अरुणाचल प्रदेश उनको कश्मीर के अंदर दर्शाया जा रहा है, जो भारत का मुकुट है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख उसको हम चीन के अंदर दर्शा रहे हैं, हम बांग्लादेश को जोड़कर देख रहे हैं, हम अफगानिस्तान को जोड़कर उसमें देख रहे हैं। मेरा ये कहना है कि स्वतंत्र भारत में इस प्रकार की अनुमति कौन देता है कि इस प्रकार से छत विछत नक्शे को करके दर्शाने की कोशिश हो, यह देशद्रोह का कृत्य है, और हम विधिक राय भी इस विषय पर ले रहे हैं कि किस प्रकार से इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है जो एएमयू के अंदर इसको आयोजन करता है उन लोगों के खिलाफ। मैं एचआरडी को भी इस विषय में एक पत्र लिख रहा हूँ, एचआरडी मिनिस्टर इस पर तत्काल संज्ञान लेकर इसके विरुद्ध कार्रवाई करने का काम करेंगे। हाँ देखिए, जहाँ तक आप बात कह रहे हैं, ये एक असगर वजाहत का बहुत मशहूर प्ले है जिसका हिंदी में पंजाबी में उसका नाम है, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन ये है कि जिसने लाहौर नहीं देखा उसने जन्म नहीं लिया। तो ये एंटी पार्टीशन और एंटी कम्युनलिज्म प्ले है, इसको यहाँ पे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इसका मंचन होना था, और उसके सिलसिले में एक पोस्टर तैयार किया गया कि ये फलान जिसमें एक उसका जो नक्शा था वो जैसा आप कह रहे हैं वो त्रुटिपूर्ण था, तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को जैसे ही पता चला कि ऐसा कोई भारत का ऐसा नक्शा बना जिसमें त्रुटि है, तो यूनिवर्सिटी ने फौरन उसको संज्ञान में लेते हुए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोफेसर तारिक मंसूरी इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया, और फौरन रजिस्ट्रार प्रॉक्टर ने इसको ऑफिस ने सारा नक्शा जो है जहाँ जहाँ इसके पोस्टर लगे हुए थे वो हटा दिए गए, और ड्रामे का मंचन का भी जो कार्यक्रम था वो कैंसिल कर दिया गया। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी ने जो ड्रामा क्लब की जो अध्यक्षता है डॉक्टर विभा शर्मा उनको भी शोकॉज नोटिस इशू किया, और कल्चरल एजुकेशन सेंटर जहाँ इस ड्रामे का मंचन होना था उसके एक एम्प्लाई हैं अब्दुल मन्नान उनको भी शोकॉज नोटिस दिया गया। तो इनको 2 दिन का टाइम दिया गया कि अपना जवाब दें, उसके बाद जो हम लोग अपनी कार्रवाई यूनिवर्सिटी पर फर्दर कार्रवाई करेंगे।